हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का धमाकेदार स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो खास क्यों है? क्योंकि आज के वीडियो का टॉपिक है कि पार्टनर अगर हमारी इज्जत ही ना करे, हमें रिस्पेक्ट ही ना दे, तो क्या करना चाहिए। यही सवाल दोस्तों आपके मन में भी होगा ना। हाँ दोस्तों, मुझे पता है 100 में से 50 लोगों के रिश्तों में ये होता है कि पार्टनर इज्जत ही नहीं देता, रिस्पेक्ट ही नहीं देता, क्योंकि वो समझता है कि मैं खास हूँ, सामने वाला पार्टनर तो ठीक है, अब वो मेरे भरोसे जी रहा है। लेकिन दोस्तों, गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो, किसी ना किसी को अगर ये दिक्कत है तो 3S टेक्निक यानी कि 3S की टेक्निक से मैं ये वीडियो से आपका ये सारा प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। क्योंकि आपको सामने वाला पार्टनर इज्जत देने लगेगा, रिस्पेक्ट देने लगेगा। तो चलिए समझते हैं क्या है 3S टेक्निक। 3S में सबसे पहला जो S है वो है सेल्फलेस, यानी कि दोस्तों निस्वार्थ बनना है आपको, सेल्फलेस बनना है। सामने वाला पार्टनर कुछ भी करे कुछ भी ना करे, आप जो भी उनके लिए करे वो निस्वार्थ होके करे, सेल्फलेस होके करे। आप सामने से वापस कुछ ना चाहे, आप प्यार इसलिए मत करे दोस्तों कि वापस आपको कुछ मिले, आप ये चाह मत रखें। हाँ, मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई इच्छाएं आपकी बन जाती है, वो शारीरिक हो, वो इमोशनली हो, कोई भी हो, मेंटली हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सेल्फलेस होकर सामने वाले के साथ रिश्ता बनाना चाहिए, जिससे वो कुछ दे ना दे आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा। तो सेल्फलेस बनने से सामने वाले पार्टनर को आज नहीं कल नहीं, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद उनको समझ में आएगा कि नहीं, वो पार्टनर मुझे निस्वार्थ होकर प्यार कर रहा है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं उनकी इज्जत देनी होगी, उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। तो कहीं ना कहीं ये सेल्फलेस होने से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब 3S में जो दूसरा S है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। अब दोस्तों, जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, यानी कि कहीं ना कहीं सामने वाला पार्टनर भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, अगर हमें अपने आप पे भरोसा नहीं तो कौन हमारी इज्जत करेगा। तो दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की रिस्पेक्ट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैं दोस्तों इसमें एक और बात कहना चाहूँगा कि जो कोई तीसरा व्यक्ति है, आपका पार्टनर नहीं, आपके पार्टनर के सिवा कहीं पर भी आपके पार्टनर के साथ आपका जाना हो और तीसरा व्यक्ति अगर आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में आएगा कि मुझे भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मुझे भी इज्जत देनी चाहिए। तो दोस्तों, खुद पे भरोसा होना, खुद की रिस्पेक्ट करना, ये बहुत ही खास हो जाता है। उसके बाद लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे, आपको इज्जत देंगे। तो दोस्तों, इसमें एक मैं छोटी तकनीक आपको देता हूँ। जब भी सवेरे उठने के बाद, तैयार होने के बाद आईने के सामने 5 मिनट खड़े रहे, अपने आप को देखें और बोलते रहिए कि मैं कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मैं भी अपने आप की रिस्पेक्ट करता हूँ। दोस्तों, ऐसे अफर्मेशंस जो बोलते हैं उससे आप कहीं ना कहीं चार्ज अप लोगे और खुद की इज्जत करना शुरू करेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करने से सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा। 3S में जो तीसरा S है वो है से। आप सामने वाले पार्टनर से बात करें कि आप मेरी इज्जत क्यों नहीं करते, आप कहीं ना कहीं मुझ में कुछ ऐसा देख गई है, या तो फिर कुछ ऐसा दिख गया है आपको, मेरी कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से आपके दिमाग में से मेरी इज्जत निकल गई है, मेरी रिस्पेक्ट रही ही नहीं। दोस्तों, ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती है, ऐसी कुछ बात होती है जिसकी वजह से सामने वाला पार्टनर ऐसा मन में ठान लेता है कि इस इंसान की इज्जत करने जैसी है नहीं। तो ऐसे से यानी कि बात करने से कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा, तो उस गलती को अगर आप सुधार पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, ऐसी बातचीत करने से भी इस बात का हल निकल सकता है। तो दोस्तों, ये 3S तकनीक है, सेल्फलेस, सेल्फ रिस्पेक्ट, से, ये तीनों तकनीक आपको सामने वाले पार्टनर को मजबूर करेगा रिस्पेक्ट देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपने ये अप्लाई की तो सामने वाला पार्टनर आपको इज्जत देगा। दोस्तों, क्या आपका पार्टनर आपको इज्जत देता है, मुझे कमेंट कीजिए। नहीं देता तो उसके लिए आप क्या करते हैं, मुझे वह भी कमेंट कीजिए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GIBF रांझा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।